इंडिया बहुत आहिस्ता आहिस्ता, मेरा ख्याल है इंडिया इज इक्वल टू हो जाएगा अमेरिका के, और ये एक उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं उनको ये, बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है जो है, मुझे उन लोगों से तो प्यार है। हाँ, पॉलिटिशियंस वगैरह जो है उनसे इख्तलाफ हो सकते हैं। चाइना में जो मोबाइल असेंबल होता था वो अब इंडिया में भी होने लग गया है, और मेडिकल के लिहाज से भी जो है इंडिया रोज़ ब रोज़ आगे बढ़ता चला जा रहा है। उनकी ऑथराइज बुक जो है वो पब्लिश है, जैसे कि गूगल का CEO भी जो है वो इंडियन ही है। बिल्कुल ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना कुछ इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट को लेने चाहिए। जैसे आपने देखा कि जितने भी पाकिस्तान है वो फॉरेन चले जाते हैं, जितने भी हमारे टैलेंटेड माइंड्स हैं वो बाहर बैठे हैं, तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि इधर जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं है उस तरह की, यानी कि कोई भी टैलेंटेड है वो जाता है कि बाहर जाना। अगर आप अभी भी देख लेना तो 100 में से जो है ना 99% लोग ये कहेंगे कि हमने बाहर जाना है क्योंकि हमने अपना फ्यूचर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ब्रदर आपका नाम? इर्तज़ा। हाफिज़ साद। अहमद। आयशा आतिफ। मेरा नाम अनस इकबाल। अनस भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री के लिहाज से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इस लिहाज से अगर वहाँ के वर्कर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस्ड हैं, इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के। यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, सही हैं, लेकिन चांसेस नहीं मिलते, यहाँ के वर्कर इतना एफर्ट नहीं पुट करते, तो इस वजह से वो ये पीछे रहते जा रहे हैं। और इंडिया में हर पर्सन जो है ना वो अपनी एफर्ट शो करा रहा है, उसकी वजह से वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं आगे, तो इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। इंडिया के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने रिप्लेस कर लिया है, लेकिन हमें लम्हा फिक्री हमारे लिए ये है कि हम भी उनके साथ ही आज़ाद हुए थे, इंडिया के साथ हम क्यों पीछे रह गए? क्योंकि हमारे लोगों को शायद वो शौर नहीं दिया गया कि किस तरह से अपने कंट्री को ग्रो करना है। हमारे यहाँ सिर्फ बिज़नेस ज़्यादातर रियल एस्टेट को समझा जाता है। रियल एस्टेट मुल्क को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती है? मेरे ख्याल से नहीं। अगर उसी की जगह हर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाए अपने घर के अंदर और चीज़ें एक्सपोर्ट करें, तो आज हमारे मुल्क का जो दिवालिया हुआ है कि डॉलर नहीं हमारे पास, तो हम भी शायद इस पोजीशन पर आज स्टैंड ना कर रहे होते। सर बेसिकली ये तो आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि इंडिया जो है ना आप देख रहे हैं कि IT में हर जगह है। जैसे आप मोस्टली देखते हैं YouTube, Facebook, Google जो है ना, Facebook, WhatsApp, जहाँ भी है ना, हर जगह कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो सक्सेस है। यानी कि आप अगर Pinterest की बात कर लें, उसका भी जो है ना कहीं इंडिया बैठा है। Microsoft की बात करें, सत्या नडेला, उधर भी जो है ना इंडियन बैठा है। तो आई गेस ये होना ही था, आज नहीं तो कल। यार इसके लिहाज से ये कहना चाहूँगा कि इंडिया अपनी मतलब कम्युनिकेशन में चीज़ों में आगे जा रहा है, चीज़ अपने पाकिस्तान की तरह उनकी गवर्नमेंट जो है उनकी आपस में लड़ाइयाँ नहीं है इस तरह की। वो तो फिर तरक्की तो हर मुल्क करेगा जहाँ पे अपनी एक यूनाइटेड होकर चलेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत बड़ी उन्होंने अपना गोल अचीव किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि अगर मैं अब पाकिस्तान को देखूँ इस लिहाज से, आपको पाकिस्तान के आजकल हालात पता है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं, हमारा जहाँ पे मोटिव है, कोई उसकी टांग खींच रहा है, कोई उसकी टांग खींच रहा है, ठीक है। इंडिया बहुत आहिस्ता आहिस्ता, मेरा ख्याल है इंडिया इज इक्वल टू हो जाएगा अमेरिका के, और ये एक उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं उनको ये, बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है जो है, मुझे उन लोगों से तो प्यार है। हाँ, पॉलिटिशियंस वगैरह जो है उनसे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मुझे इंडिया के लोगों से प्यार है। मैं एमिक हूँ ये वो, बट ये कि एक उनकी बहुत अच्छी चीज़ थी ये, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह उनको अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो और करें, क्योंकि हमें किसी को ये तो नहीं कह सकता कि वो हो हमने, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपको कैसा लगता है कि इंडिया ने किस तरह अपने आप को इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया कि वो चाइना जैसे मुल्क को रिप्लेस कर गए? इंडिया में तो आई थिंक जस्ट सियासत ही चलती है, पॉलिटिशियंस वगैरह ही, आजकल हर जगह पे ही पॉलिटिक्स चल रही है। पाकिस्तान में भी सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं है। पाकिस्तान फुल बर्बाद हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ की एजुकेशन का अब लोग MSc करके BSc करके उन्होंने समोसे पकौड़े की रेडी लगाई होती है यहाँ पर, स्टिल यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। अभी मैंने लास्ट टाइम देखा था, एक उर्दू पॉइंट पर मैंने देखा था, एक इंटरव्यू था, उस बच्ची ने MS किया हुआ था बायोकेमिस्ट्री में, तो उसने क्या हुआ था, इतना मतलब कि पढ़ने के बाद 2 डीन अवार्ड लेने के बाद एक गोल्ड मेडल उसने ले लिया, उसके बावजूद वो वहाँ पे समोसों की रेडी मतलब कि लगा के बैठी हुई थी। पाकिस्तान में अगर ये जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती काम करने के लिए, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो माइट बी पॉसिबल कि वो बहुत जल्दी जो है ना वो तरक्की करने मतलब बहुत अच्छे लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती पाकिस्तान में। सर बेसिकली हमें जो है ना देखना चाहिए कि उनकी जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत है,
यानी कि हम अगर देखें ना, आप देखें ना, सिलिकॉन वैली इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन इंडिया में है, तो उसकी बेसिस पे जब एक हमारे जो हमारे अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म दे दे तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान भी उस जगह पे आ जाएगा। इंडिया ने चाइना एक हमारा सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा चाइना की थी, लेकिन इंडिया देखो मेहनत किसी भी चीज़ में करोगे तो आगे तो जाओगे। तो आईटी के हिसाब से, इसके अलावा बाकी आपकी जो ऑटोमोबाइल है इन चीज़ों में, अब आप पाकिस्तान में देखो फॉर एग्जाम्पल ही बात है कि अभी तक आपकी कोई भी व्हीकल ऐसी नहीं है जो यहाँ पर असेंबल हो रही हैं, जो बन रही है, मेड इन पाकिस्तान कुछ भी नहीं। तो उनकी मेड इन इंडिया बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपके फ़ोन्स हैं, आईफोन है मेड इन इंडिया, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, तो इसलिए फिर आगे तो जाएगा वो जगह जहाँ पे अपनी उनकी वो चीज़ें वगैरह बन रही हैं। इंडिया इसलिए इतना असेंबल कंट्री है क्योंकि वहाँ पर जो पहले चाइना के पास था आईफोन, लेकिन अब इंडिया ने भी निकाल दिया है, तो जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कंट्री है। चाइना में जो मोबाइल असेंबल होता था वो अब इंडिया में भी होने लग गया है, और मेडिकल के लिहाज से भी जो है इंडिया रोज़ बरोज़ आगे बढ़ता चला जा रहा है। उनकी ऑथराइज बुक जो है वो पब्लिश है, जैसे कि गूगल का CEO भी जो है वो इंडियन ही है। तो इंडिया तो काफ़ी माना जाता है IT के लिहाज से और मेडिकल के भी लिहाज से, तो चाइना भी एक वो मुल्क है जिसने सबसे पहले वैक्सीन भी निकाली थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने किस तरह अपने मुल्क को डेवलप किया कि वो चाइना को पीछे छोड़ गए हैं? इस चीज़ का सबसे बड़ा जवाब ये है कि आप पिछले तकरीबन 6-7 माह, आपको पता होगा कि तकरीबन कुछ 7.5-8 लाख बच्चा पाकिस्तान छोड़ के चला गया, वेल एजुकेट, तलीम याफ्ता। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ के लोग अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, कुछ बनते हैं IT का, वो अपने मुल्क के लिए करते हैं। हमारा ये कि अब मैं हूँ, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ UMT से, मेरा पहला गोल ही है कि हाँ ठीक है, मैंने जो भी डिग्री करनी है मैंने यहाँ पे मास्टर के लिए बाहर चला जाना और बाहर से वापस, क्योंकि झूठ क्यों बोलना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तानी इसको ये चाहिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, आप कुछ कोई भी तालीम करें, वो अपने मुल्क को डिलीवर करें, ये चीज़ है। बिल्कुल ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना कुछ इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए। जैसे आपने देखा कि जितने भी पाकिस्तान हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, जितने भी हमारे टैलेंटेड माइंड्स हैं वो बाहर बैठे हैं, तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि इधर जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं है उस तरह की, यानी कि कोई भी टैलेंटेड है वो जाता है कि बाहर जाना। अगर आप अभी भी देख लेना तो 100 में से जो है ना 99% लोग ये कहेंगे कि हमने बाहर जाना है क्योंकि हमने अपना फ्यूचर बनाना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या लोगों को शाउट दिया गया है, क्यों, क्या लिटरेसी रेट है उनका। नो डाउट चाइना का भी लिटरेसी रेट अच्छा है, लेकिन अच्छी बात है अगर इंडिया उनको कर रहा है, लेकिन हमारे लिए सोचने की बात है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह इंडिया आगे तरक्की करे इस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करे? इंशाल्लाह होप सो करे, लेकिन उम्मीद ही चल रही है पिछले 70 सालों से, दूर दूर तक नज़र तो नहीं आता जिस तरह से अभी तो कंट्री डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। हमारे यहाँ आए दिन नई सोसाइटीज़ और रियल इस्टेट का ही बिज़नेस चल रहा है, हालाँकि ये मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, नुकसान ही हो रहा है, लोगों के साथ धोखे फ्रॉड ही हो रहे हैं। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस पॉलिसी को थोड़ा सही करें कि